टुडे आवर टॉपिक इज़ टॉपिक नंबर 6.5 विच इज़ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमने ये सुना भी हुआ है और मैंने बहुत दफ़ा डिस्कस भी किया हुआ है कि जो हमारी एनर्जी है वो इस यूनिवर्स में डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। अब एनर्जी की तमाम फॉर्म्स यहाँ पे हमें गिवन है और हम बारी बारी उसको डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, उसके बाद आ रही है हमारे पास साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ये तमाम कुछ फॉर्म्स हैं गिवन अभी यहाँ पर, तो इनकी डिटेल हम लोग आज स्टडी करते हैं। सबसे पहली जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो ये है। ये आपने सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हैं वो याद करनी है, क्योंकि ये हमें शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं, तो आपने जितना इसमें लिखा हुआ है वो सारा याद भी करना है और लिखना भी है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बोथ ड्यू टू इट्स मोशन और पोजिशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। एक बॉडी में जो एनर्जी उसके चलने की वजह से या रुकने की वजह से स्टोर होती है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, नदी का बहता हुआ जो पानी होता है उसमें होती है, विंड में होती है, अ मूविंग कार, ठीक है, लिफ्टेड हैमर, अ स्ट्रेच बो, अ कैटापुल्ट, कैटापुल्ट गुलेल को कहते हैं, और अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग या फिर किसी स्प्रिंग में जो है वो ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है हमारी हीट एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो एनर्जी की ही फॉर्म है, गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज, जो गर्म बॉडीज़ में से निकल रही होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑब्टेंड बाय बर्निंग फ्यूल। बहुत ज़्यादा हीट की जो अमाउंट है वो हम फ्यूल को जलाकर, फ्यूल ईंधन होता है उसको जलाकर हासिल करते हैं। हीट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, हीट तब भी प्रोड्यूस होती है व्हेन मोशन इज़ अपोज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस, जब मूवमेंट को फ्रिक्शन की फोर्सेस अपोज करती हैं, जैसे रबिंग ऑफ द हैंड्स टुगेदर, जब हम हाथों को रब करते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, तब भी ये हीट होती है। द फूड वी टेक, जो हम खुराक खाते हैं, प्रोवाइड अस हीट एनर्जी, वो भी हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। द सन, सूरज इज़ मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट जो एनर्जी की फॉर्म है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिजली जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी की फॉर्म है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सप्लाइड ईजीली टू एनी डिज़ायर्ड प्लेस। बिजली जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको किसी भी जगह पर आसानी से प्रोवाइड किया जाता है थ्रू वायर्स, तारों के ज़रिए। वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरीज, हम बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर या इलेक्ट्रिकल जनरेटर से। दीज इलेक्ट्रिकल जनरेटर आर रन बाय हाइड्रो पावर। ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है वो पानी से भी चलते हैं, यानी पानी से भी बिजली प्रोड्यूस होती है, थर्मल और न्यूक्लियर पावर यानी स्टीम से, गर्मी से भी वो उसको ऑब्टेन किया जाता है, और न्यूक्लियर पावर से भी हम बिजली को बना सकते हैं।